ओके सो आई एम रवनीत फुकेला चीफ बिजनेस ऑफिसर एथर एनर्जी. आज जो हम बात करें गाड़ी के बारे में, हमारा लेटेस्ट जो मॉडल है जो एथर 450 एक्स जनरेशन 3 जेन 3 जिसको बोलते हैं हम, तो जेन 3 में जो कुछ नए फीचर्स जो हैं नया हमने ऐड किया है, जो जेन 1 जेन 2 के बाद जो आज नया एडिशन है उसमें बेसिकली वो तीन एरिया में है. एक है परफॉर्मेंस में है, एक है कंसिस्टेंसी में है, एक कन्वीनियंस में. तीन बकेट्स हैं जिसमें हमने फीचर्स ऐड करे हैं. जिससे परफॉर्मेंस में है, हमने नया एक हमने अपना सबसे बड़ी जो चेंज किया वो बैटरी बड़ी कर दी है. तो जो बैटरी है वो पहले 2.9 किलोवाट आवर की थी, अब 3.7 किलोवाट आवर की है, विच इज़ अबाउट 25% बिगर दैन अर्लियर. जिससे रेंज बढ़ गई है, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ गई है, जिससे थर्मल मैनेजमेंट बेटर हो गया है, जिससे कंसिस्टेंसी बेटर हो गया है. तो जो हमारी रेंज जो बढ़ी है, पहले हमारी जो सर्टिफाइड रेंज थी एआरआई की वो 119 थी, अभी वो 146 हो गया जो हमारा सर्टिफिकेट जो है. और जो ट्रू रेंज है, ट्रू रेंज वो है जो आपको मिलती है नॉर्मल सिटी कंडीशंस में, वो पहले 85 था, अभी वो बढ़ के वो 105 हो गया. सो बिग जंप इन रेंज और बिग जंप इन बैटरी लाइफ. तो एक तो ये है. दूसरा, हमने कुछ एक्सेसरीज लॉन्च करे हैं, जैसे हमने एक रियर व्यू मिरर हमें नया आया है जिससे विजिबिलिटी डबल है, रिलायबिलिटी 5x में हो रहा है, 5 गुना बढ़ गई है उससे. एक हमने साइड स्टेप लॉन्च किया नया, जो एक हमारी डिमांड थी हमारे कस्टमर्स की, वो जो लेडीज साइड पे बैठते हैं उनके लिए वो थोड़ा इनकन्वीनियंट था, तो वो एक वो नया एक साइड स्टेप है जो स्कूटर में लग जाता है, वो नया है. एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नया है हमारा, जो नॉर्मली जो मार्केट में मिलते हैं वो एक्सटर्नल बाहर लगे होते हैं. एक तो वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, प्लस चोरी का डर होता है उसमें, वो तो ये टायर के अंदर फिक्स है, तो एक्यूरेट भी है इसमें, चोरी का डर भी नहीं है ये. और दूसरा, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ हमारा इंटीग्रेट होता है हमारे अपने स्कूटर से, तो जो भी इसका डेटा निकलता है, मान लीजिए आपका एक टायर प्रेशर कम हो गया किसी टायर में, तो एक तो आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा बताने के लिए आपको कम हो गया, और दूसरा वही जो डेटा है आपकी जो एथर की ऐप है आप आएगा नोटिफिकेशन कि आपका प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर बढ़ा दीजिए. वो तो एक वो चेंज हुआ है. एक हमने जो हमारा डैशबोर्ड था उसका हमने जो उसका कैपेसिटी उसका रैम चेंज किया है, जिसके लिए वो जो इंटरेक्शन स्मूथ हो गया है, 80% बेटर हो गया है. मैप्स बढ़िया लोड होते हैं, स्क्रीन बढ़िया चेंज होती है, सो इंटरेक्शन काफ़ी फ्लूइड हो गया है. तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो नई हैं जो हमने चेंज किया है और बढ़ाई हैं उसमें जेन 2 के हिसाब से. इलेक्ट्रिक बाइक देखा जाए तो ऑन रोड बहुत ज़्यादा प्राइस होती है, तो आपने कुछ रिड्यूस किया है, कैसे है, क्या है कॉस्ट? अरे इतनी बड़ी बैटरी दी है तो एक्चुअली तो हमने जो ये जो दो मॉडल हमारा 450 एक्स और एक प्लस है, तो जो 450 प्लस है तो वो जेन 2 के हिसाब से, जो नया जेन 3 आया है जो इतनी बड़ी बैटरी और ये सब चेंजेस के हिसाब से हमने 5000 बढ़ाया है उसका जेन 450 एक्स का, और 2500 बढ़ाया है हमने जो 450 प्लस का. तो सारा एडिशन 2.5 और 5 में हमने कवर. व्हाट इज द कॉस्ट इन पुणे? मतलब 10-15 हज़ार का करीब. ओके.